गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो दोस्तों? आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे पाइल कैप का वर्क चल रहा है अभी, तो आपके लिए आज मैं पूरा पाइल कैप का डिटेल लेके आया हूँ। अभी यहाँ पे हमारा टॉप और बॉटम मैट पूरा फाइनल हो चुका है। इस बार तो यहाँ पे शटरिंग करेंगे, शटरिंग करने के बाद हम कॉलम खड़ा करेंगे। यही तो यहाँ पर शटरिंग का ही काम चल रहा है अभी। तो मैंने अभी रिसेंटली एक पोस्ट भी किया था कि फाइल कैप का BBS चाहिए क्या आपको, उसी रिगार्डिंग एक वीडियो हमारा वही आएगा, फाइल कैप का BBS। अभी उसको शटरिंग ही करेंगे हम। ये हमारा एक रिसेंटली कास्ट हुआ है, इसको बैकफिल भी किया है हमने क्रश सैंड से। यहाँ पे हमने कॉलम को होल्ड करने के लिए देख सकते हो आप RCC क्रैच बैरियर लगाया हुआ है, और उसको सर सीलिंग टर्न बक्कल और डी क्लैंप के साथ उसको टाई किया हुआ है। ये भी अपना रिसेंटली कास्ट हुआ है, इसका बैक फिलिंग बाकी है अभी। ये अपना 500 का पेडेस्टल है जो देख सकते हो आप, फिनिशिंग भी देख सकते हो आप, फिनिशिंग कितना बढ़िया आया है इसका। ये साइड ग्रिड है हमारा मेट्रो का। और ये साइड से कॉलम के साथ अपना पेडेस्टल है। तो पहले हम तो स्टार्टर करेंगे पेडेस्टल का, फिर क्रैच बैरियर सबसे लास्ट में होगा, फिर कॉलम को स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम यहाँ पे शटरिंग फाइनल करेंगे, शटरिंग के बाद अपना कॉलम खड़ा करेंगे। अभी अपने यहाँ पे हमारा दो कॉलम है, एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, एक सर्कुलर कॉलम है। सर्कुलर कॉलम हमारा 1200 का है, रेक्टेंगुलर कॉलम ये सामने देख सकते हो आप 2 मीटर का है, 1250 का है। यहाँ पे हमारा शटरिंग फाइनल हो चुका है, अभी हम कॉलम को रेक्टेंगुलर कॉलम भी हमने खड़ा कर दिया, आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने वर्टिकल MS क्लैंप के साथ हमारा स्टिचिंग किया हुआ है लेबरों को काम करने के लिए। और यहाँ पे वर्टिकल का सबसे मेन डाया को यूज़ किया हुआ है 32 mm। ऊपर हमने वॉकवे जाली पे रखा हुआ है, तो उस पर लेबर खड़ा होके अपना वर्टिकल आराम से वहाँ पे टाई कर सके। अभी टी ब्रेक चल रहा है, इसी पाइल कैप का मैं आपको BBS लेके आऊँगा। यहाँ पे इसके पाइल कैप में हमारे दो कॉलम हैं, एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, एक सर्कुलर कॉलम है। रेक्टेंगुलर कॉलम में अपना 2 मीटर पर 1250 का है, और सर्कुलर हमारा 1200 डाया का है। तो इसमें हमारा क्रैच बैरियर इंक्लूड है, दोनों में दो एक ही क्रैच बैरियर दिया हुआ है। इसका फला देखिए कैसे बनाया हुआ है, MS क्लैंप से पूरा टाई किया हुआ है, साइड से सपोर्ट दिया है MS पाइप से, मास्टरिंग बांध रहा है अभी वो। फिर अपना कॉलम एक बार फाइनल हो जाएगा, तो फिर हमसे शटरिंग वन साइड से हमारा बाकी है, क्योंकि वहाँ पर हमने एक प्लाई डाला हुआ है अंदर आने के लिए। तो अपना क्लाइम चेकिंग करेंगे, फाइल कैप की साइज़ है अपनी 4 मीटर बाय 4.5 इंटू 1.5 मीटर फाइल कैप है अपनी। और यहाँ पे हमने वन साइड से अंदर जाने के लिए जगह बनाई है, तो देख सकते हो आप। इस तरीके से अपना कॉलम भी खड़ा हो चुका है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर, और यहाँ पे हमारा पेडेस्टल का स्टील भी फाइनल हो चुका है। तो एक क्रैच बैरियर भी लगा दिया है पूरा थ्रू आउट, यहाँ पे देख सकते हो आप कितना खूबसूरत दिख रहा है अभी स्टील, वर्क ऑफ क्वालिटी नंबर वन की है। यहाँ अपना अपना कवर लगा के शटरिंग भी फाइनल हो चुका है, और सर्वेयर चेकिंग भी रिसेंटली हुआ है, सर्वेयर चेकिंग डन हुआ है, अभी सिविल वर्क चेकिंग होगा। और हमारा ये पाइल कैप कास्टिंग के लिए अभी रेडी है।
ये देखिए पेडेस्टल का स्टील देखिए, और क्रैच बैरियर हमारा कंबाइन है दोनों का। और हमारा सर्कुलर कॉलम टू रेक्टेंगुलर कॉलम दोनों के बीच में ओनली 50 mm का ऑफसेट है। तो हमें जब शटरिंग करेंगे पहले तो हमें सर्कुलर कास्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें रेक्टेंगुलर को जाना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर कॉलम को। तो वो एक हमारे लिए डिफ़िकल्ट टास्क है फिलहाल, जब हम पियर कास्ट करेंगे तब। यहाँ पे थोड़ा पत्ती आई है तो उसको हटा रहे हैं। बाकी अपना ये प्लेटफॉर्म लेवल तक चला गया है, फिर इसमें कोई लैपिंग और ये नहीं आएगा। थ्रू आउट स्टील दिया हुआ है अभी इसमें फिलहाल। जो नेक्स्ट कॉलम आएगा उसमें हमें लैप देना पड़ेगा, तो उसमें हम थ्रेडिंग करके कपलॉक यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे अंडर 12 mm आ रहा है हाइट, तो उसमें हम वन पीस में अपना काम चला रहे हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों, ज़रूर बताएँ।